एग्जैक्टली लगातार जो अब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है वो आने लगे हैं। कल यूपी विधानसभा के तमाम जो मेंबर्स थे, जो एमएलए थे, वो आए थे एक्सेप्ट समाजवादी पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल उनके काउंटर पार्ट भगवत मान जो है वो आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो अयोध्या पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी अयोध्या भी आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? मुंबई, महाराष्ट्र। अभी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पहले बुलाया गया था, 22 तारीख को जो कन्वेंशन सेरेमनी था उसमें नहीं आए थे, अब अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोग आना चाहिए? जी हाँ, आना चाहिए। लगता है कि आना चाहिए? आना चाहिए। तो आप लोग महाराष्ट्र से दर्शन करने के लिए आए हो? दर्शन करने के लिए। बहुत पॉलिटिक्स होती है इसको लेकर, बहुत सारा पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है, अभी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अब आना चुकी है। कितना भी पॉलिटिक्स होने दो, पर हिंदू के लिए ये अपना राज है और हिंदू ने ना सब ने आना चाहिए और अपना राम, जय जय श्री राम, और सबने दर्शन करना ही चाहिए। आपको भी लगता है कि सबको आना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है? हाँ, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबका हक है ये श्री राम के दर्शन के लिए। हमने कोई मंदिर इसलिए, नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर इसलिए बनाया कि सब एक मिलके इधर मंदिर दर्शन करने के लिए आओ। तो बाकी जो लोग जो डिवोटीज हैं वो अयोध्या लगातार आ रहे हैं और मान रहे हैं कि आना चाहिए, सबको अधिकार है, मंदिर इसलिए बनाया गया कि दर्शन करने के लिए आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर इसलिए सवाल बीजेपी उठा रही है, कहती है कि वो चुनावी हिंदू है, जब इलेक्शन आता है तो हिंदू बनते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था तब उन्होंने सवाल उठाए थे और राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा था कि वहां एक तरह से अस्पताल बनना चाहिए ताकि लोगों को फायदा पाए। तो हिंदू, अगर केजरीवाल हिंदू है तो हिंदू ही है ना, तो उन्होंने एक खाली पॉलिटिक्स के इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं बोलना चाहिए कि हम हिंदू है, हर टाइम बोलना चाहिए ना। और वो खुद पहले ही आना चाहिए था, जब उनको नियुक्ता दिया था ना, तो उन्होंने हक से आना चाहिए था और राम लल्ला का दर्शन करना ही चाहिए था। बस तो जो लोग हैं डिबोटीज है, दे आर सेइंग कि जब उनको इनविटेशन दिया गया था 22 जनवरी के लिए तब उनको आना चाहिए था, हालांकि तब उन्होंने कहा था कि वो फैमिली के साथ रामलला के दर्शन करने आएंगे और आज अपने काउंटर पार्ट भगवत मान और अपनी फैमिली के साथ अयोध्या आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि पॉलिटिक्स दूसरी साइड है, लेकिन जो लोग हैं उनका मानना है कि भगवान राम सबके लिए आस्था का विषय है भगवान राम, और जो भी भक्त, जो भी चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, अगर वो दर्शन करना आना चाहते हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए।